फाइनली हम घाघरा नदी को एक बार फिर से आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का पर जो पानी का बहाव है वो कितनी ज़्यादा तेज़ है और नदी का जो कटान है वो भी आज तो आज कुछ ज़्यादा नहीं है, पर आप लोग इधर देख सकते हैं कि जो नदी है नदी काट रही है। अभी रोकने की उसको कोशिश की जा रही है लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये डारे इधर लगी हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इधर ये डाले इसमें डाली गई हैं और ये इधर ये वो बांस का बंधा हुआ है खूंटा। देखिए रस्सी टाइट है पर इससे यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, चलिए हम आगे का भी आप लोगों को दिखाते हैं कटान वटान कैसा है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं कि अभी जहाँ पर ये भांग लगी हुई है, भांग के किनारे किनारे कटान चल रहा है और यहाँ पर जब मैं पहले आया था तो ये जो भांग वाला खेत है इसके आगे जहाँ पर नदी चल रही है वहाँ पर दो खेत थे ऑलरेडी, पहले थे तो वो भी पूरे के पूरे कट गए हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज है, यार आप लोग देख सकते हैं कि जो नदी का पानी है कितना ज़्यादा खतरनाक है। देखिए नदी कैसे मतलब इधर का जो पानी है उधर को उछाल मार रहा है, मतलब वहाँ पर मतलब कुछ गड्ढा टाइप होगा या जो भी हो, लेकिन पानी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसमें कोई नाव वाव आ गई तो बचना तो मुश्किल है उसका, अगर कोई इंसान भी गिर जाए तो भाई बच तो नहीं पाएगा। दोस्तों यहाँ पर नदी के कटान को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी डाले होती हैं पेड़ों की डाले, उनको लाकर एक रस्सी से बांध कर नदी में डाल दिया जाता है नदी के साइड साइड में, और वो जो रस्सी होती है उसको अच्छे से बांध दिया जाता है खूंटी गाड़ कर, ताकि वो खूंटी उखड़े ना और ये जो डाल है उसी में इधर उधर लहराती रहे तो नदी का कटान भी ना हो। तो अगर ये उपाय कामयाब नहीं होता है तो इसके लिए एक और भी दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। वैसे इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, डाल कहाँ कटान रोक पाएगी। तो गाइस ये है नदी के कटान को रोकने का दूसरा तरीका, और इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कोई बोरी होती है तो ये बोरियां आप लोगों को दिख रही होंगी, इन बोरियों में ईंट भरकर ईंट भरते हैं या कुछ लोग गिट्टी वगैरह या मिट्टी वगैरह जो भी होता है वो भरकर नदी के किनारे किनारे देखिए कैसे सेट कर दिया गया है। इसके अलावा भी क्या होता है कि बाँस का कुछ बनाते हैं, बाँस का बनाते हैं पाइप टाइप पता नहीं क्या बनाते हैं, चौक चार कोने उसमें होते हैं, चौकन्ना होता है और उसी के बीच में इन बोरियों को भरकर सेट कर दिया जाता है। देखिए बोरियों के अतिरिक्त इसमें किनारे किनारे डाले भी डाली गई हैं ताकि थोड़ा बहुत पानी डाले भी रोक लें, और जब डाले थोड़ा बहुत रोक लेंगे तो इन बोरियों को रोकना भी आसान हो जाएगा। देखिए गाँव थोड़ी दूर पर ही है इसलिए कटान मतलब कटान से काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि घाघरा नदी ने अब तक कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया घंटी में।